नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं और ये आंकड़े भयावह हैं। इन आंकड़ों को सुनने के बाद अच्छों की कपकपी छूट रही है, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो इस देश के अंदर तबाही लेकर आएंगे। बड़ी भारी संख्या में देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होंगी और कई राज्य सरकारें ऐसी होंगी जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगी। इसलिए संकट बहुत बड़ा है। सवाल यह कि संकट के लिए जिम्मेदार कौन है, और मेरा अपना मानना यह है कि संकट से उभरने का और इस संकट के लिए जिस एक शख्स को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनका नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें सैक कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनका पद पर बने रहना देश के हित में नहीं है, देश के साथ खिलवाड़ होगा। जब वो 2019 में जब उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था, तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि बहुत बोल्ड कदम है, एक महिला को वित्त मंत्री बनाया गया है, लिहाजा इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। लेकिन वित्त मंत्री बनने के बाद से उनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल है वो न केवल निराशाजनक है, बल्कि एक ऐसी निराशा के गर्त में देश को लेके जा रहा है जहां से उभरने में बरसों लगेंगे। निर्मला सीतारमण को इस्तीफा क्यों देना चाहिए, क्यों उनको हटा देना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में आप हमारी मदद करें, हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जाने के बाद आप हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें, तो हमें ईमानदारी से पत्रकारिता करने में बहुत मदद मिलेगी और सच्चाई आपके सामने रखने में बहुत मदद मिलेगी। हमने आपसे कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सैक कर देना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से जीडीपी के आंकड़े आए हैं उसके बाद से तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, रिजाइन निर्मला सीतारमण, यानी एक मांग उठी है। यह बात सच है, विपक्ष ने भी कई लोगों ने कहा कि निर्मला सीतारमण को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण अगर पद से नहीं हटती हैं तो देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। वित्त मंत्री का पद एक ऐसा पद है जिस पद पर मनमोहन सिंह जैसे बड़े लोग रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति हुए वो इस पद पर रह चुके हैं, उनके अलावा यशवंत सिन्हा इस पद पर रह चुके हैं, पी चिदंबरम इस पद पर रह चुके हैं, यानी एक गैलेक्सी ऑफ टॉप लीडर्स इस पद पर रही है। और जब वो इस पद पर थे तो लोग उम्मीद करते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को एक सुधार करेंगे, उसमें कुछ बड़े कदम उठाएंगे, ताकि क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो देश की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है वो भी खराब होगी। लेकिन निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनने के बाद से जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार बिगड़ती रही है। इसमें मैं तो ये नहीं कहूंगा निकम्मापन है, लेकिन इनकॉम्पिटेंस उनका पूरी तरीके से खुलकर सामने आया है। जो आंकड़े अभी आए हैं वह 23.9% की नेगेटिव ग्रोथ है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यह नेगेटिव ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर का है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इकोनॉमिक ब्यूरो है उनके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका यह कहना है, सौम्याकांत घोष का, कि दरअसल ये जो नेगेटिव ग्रोथ है ये अगले क्वार्टर में, उसके बाद के क्वार्टर में और उसके बाद के क्वार्टर में भी बनी रहेगी। यानी पूरे साल जो है भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में रहेगी, और ये कोई मामूली नेगेटिव में नहीं रहेगी बल्कि 10.9% नेगेटिव में रहेगी। ये SBI देश के सबसे बड़े बैंक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये कथन है। उनके हिसाब से जो उनका अपना अनुमान है कि क्वार्टर टू में -12% से -15% की ग्रोथ होगी, यानी सिकुड़ेगी। क्वार्टर थ्री में जो है वो -5% से -10% अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, और क्वार्टर फाइनल में यानी चौथे क्वार्टर में -2% से -5% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ये स्थिति बनी रही, अगर साल के अंत में नेगेटिव ग्रोथ पूरे साल का औसत अगर 10.9% हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि कितने वर्ष लग जाएंगे
दोबारा भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में और कितने करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, मध्य वर्ग किस तरीके से तबाह होगा, कितना सैलरीड क्लास बर्बाद होगा, कितने हजारों लाखों उद्योग धंधे बंद होंगे, कितने लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, कितने लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी, और उसके बाद एक सोशल क्राइसिस भी उठती है जब बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ती है। कुछ लोग ये सवाल खड़े कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि दरअसल ये सारा का सारा आप निर्मला सीतारमण के सिर पर क्यों फोड़ रहे हैं? दुनिया की जो बाकी की अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां की भी तो हालत बहुत खराब है। बिल्कुल, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का एक बहुत बड़ा फैक्टर है देश की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव में ले जाने के लिए या बर्बादी के कगार पर पहुंचा देने के लिए। और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था भी जो है वो वहां भी नेगेटिव ग्रोथ देखी गई 10.6% की, और जो सबसे खराब स्थिति है वहां पे स्पेन, वहां 22.7% है। यानी अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन सब जगह नेगेटिव ग्रोथ देखी गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है वो भारत में देखी गई है, यानी 23.9%। बाकी देशों की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जरूर है लेकिन भारत से बेहतर स्थिति में है। दूसरी बात, जो आंकड़े अभी आपके पास आए हैं ये 23.9% के, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, इस इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा अभी नहीं आया है। और जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा आएगा तो ये 23.9% का जो आंकड़ा है ये और नीचे जाएगा। अब आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह होती नजर आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया के दूसरे देशों की भी हालत खराब है लेकिन भारत जैसी हालत खराब है। तब आपका सवाल होगा कि निर्मला सीतारमण को किस आधार पे, किस तर्क के आधार पे, किस डेटा के आधार पे हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनने के पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जा रही थी। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब नेसो का डेटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, सीएमआई का डेटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी का डेटा आया था, तब वो डेटा कहता था कि पिछले 45 साल की सबसे बुरी स्थिति है बेरोजगारी की, यानी बेरोजगारी के सबसे बुरे आंकड़े आए थे। और तब सरकार से जब सवाल पूछा जाता था, और satyahindi.com लगातार आपको इस बारे में जानकारी देता रहा है, तब सरकार से सवाल पूछा जाता था तब सरकार कहती थी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार ने कभी इसका साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई, 303 के लोकसभा मेंबर बन गए, भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बने, तब चुनाव के फौरन बाद सरकार ने यह माना कि जो आंकड़े थे उनमें काफी हद तक सच्चाई थी और अर्थव्यवस्था के जो बेरोजगारी का आंकड़ा था वो 45% के आसपास, 45 साल के सबसे निचले बिंदु पर जो थी वो रोजगार की स्थिति थी। और ये उस सरकार ने एडमिट किया था जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री, तब उस वक्त लोक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो लोकसभा चुनाव में इसको माना नहीं गया था। लेकिन जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी तो उनके कार्यकाल के अंदर जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो लगातार नीचे गति चली गई है। और जनवरी से लेकर मार्च तक का जो डेटा आया, जो मार्च क्वार्टर का जो डेटा आया था जिसमें सिर्फ 1 हफ्ते लॉकडाउन था, उसमें जो जीडीपी का आंकड़ा था वो गिरकर 3.1% हो गया था, 3.1% हो गया था, जो 44 तिमाही का सबसे निचला बिंदु था। और पूरे साल का जो डेटा था वो था 4.2%। यानी निर्मला सीतारमण ने जब भारत की अर्थव्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में संभाली, जब उनको दी गई, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो पिछले साल 6.1% था वहां से लगभग 2% की गिरावट होती है और 4.2% पर अटक जाती है। यानी इसकी जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। आप ये कह के नहीं बच सकते कि लॉकडाउन था या कोरोना की स्थिति थी। और उनके समय का मैं आपको अगर थोड़ा सा और हिसाब किताब अगर मैं आपको दे दूं तो आपको स्थिति और बेहतर होगी कि कैसे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गिरती चली गई और उसको संभालने की कोई कोशिश नहीं की। आपको मैं सितंबर महीने का आपको डेटा देता हूं। सितंबर के महीने में भारत की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी का आंकड़ा था वो 5.1% का था,
लेकिन उससे ज्यादा भयानक स्थिति थी कि जो नॉमिनल जीडीपी का डेटा था वो 7.99% का था, जो 2002 के बाद से सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी। और आपको याद होगा satyendra.com लगातार आपको इस बारे में जानकारी देता रहा है, लगातार आपको अपडेट करता रहा, लगातार ये कहता रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो संभल नहीं रही है, मोदी सरकार से वित्त मंत्री संभल नहीं रही है और लगातार गिरती जा रही है। हमने आपको बताया था कि सितंबर के महीने में उस वक्त जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें 0.6% की ग्रोथ देखी गई, 0.6% की ग्रोथ देखी गई थी। जो 28 बड़ी कंपनियां थी उनमें जो प्रॉफिट था उसमें 11% की गिरावट आई थी, 28 बड़ी कंपनियों का जो अनुमान लगाया गया था उसमें 11% की गिरावट उसमें देखने को मिली उनके प्रॉफिट में। जो फार्म इनकम था, आपको याद होगा कि 2014-15 के आसपास देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक इस देश के किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, ये बहुत जोर शोर से इसका किया, और ये कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 5 trillion इकोनॉमी हो जाएगी। हालत क्या थी आज से तकरीबन एक साल पहले, जो भारत के किसानों की जो आय थी वो 20 साल के सबसे निचले पायदान पे थी, फार्म इनकम 20 साल के सबसे निचले पायदान पे थी। जो क्रेडिट क्राइसिस था, क्रेडिट क्राइसिस के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने खुद कहा था ये 70 साल के सबसे बुरे दौर में है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका कर्ज बढ़ के 7 गुना हो गया था, 7 times उसका कर्ज बढ़ गया था। मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे ही नहीं रहा कि किस तरह कि हमारा कि एक्सपोर्ट डाउन था, इम्पोर्ट डाउन था, साथ ही साथ जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था जिसका टारगेट 17.3% रखा गया था वो सिर्फ 5% उस पर ग्रोथ दिखाई पड़ी थी। एडवांस टैक्स का कलेक्शन जो 18% का टारगेट रखा गया था वो उस महीने 6% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली थी, यानी 18% का टारगेट अचीव कर रहा 6%, यानी लगभग 1/3 ग्रोथ आपकी हुई थी। इसके अलावा जो FMCG की में जो क्रेडिट थी वो 15 साल का लोएस्ट दिखा रहा था। हमने आपको ऑटो सेक्टर के बारे में बताया नहीं किस तरीके से ऑटो सेक्टर में लगातार खून खच्चर तबाही होती गई थी। तो ये सारे वो डेटा हैं जो डेटा आज के डेटा नहीं है, ये डेटा सितंबर महीने के डेटा है, और दिसंबर के महीने आते आते स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और जनवरी से मार्च की स्थिति यानी जब लॉकडाउन लगता है तब भारत की जो क्वार्टर की जो ग्रोथ थी जीडीपी ग्रोथ थी वो 3.1% पर आके ठहर जाती है। यानी कोरोना के एक संकट आने के पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी बुरी स्थिति में थी, और यही कारण है कि कुछ जो एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट का ये साफ तौर पर कहना है, मिस्टर DK श्रीवास्तव हैं, उन्होंने कहा था कि 2008 में भी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में गई थी, लेकिन भारत के लिए सुकून की स्थिति ये थी कि वो 2008 के पहले लगातार 5 साल अर्थव्यवस्था 8% के ऊपर ग्रो कर रही थी। अब जब कोरोना आया हुआ है तो कोरोना के पहले भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही डामाडोल स्थिति में थी, 3.1% पर आकर अटकी हुई थी, लिहाजा कोरोना ने उस अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी। यही कारण है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में हमारी GDP ज़्यादा नेगेटिव दिखाई पड़ रही है और इसके संभलने के आसार आने वाले 3 quarters में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब एक दूसरा उदाहरण आपको छोटा सा देता हूँ फिर मैं बातचीत खत्म कर देता हूँ। आपको याद होगा कोरोना का संकट चीन से शुरू हुआ था, लेकिन चीन ने उस कोरोना पर मजबूती के साथ पकड़ बनाई, पूरी दुनिया में कोरोना पहुंचा लेकिन चीन ने अपने यहाँ उस पर काबू पाया, और आज दुनिया में ये कहा जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था और वियतनाम की अर्थव्यवस्था वो कोरोना के समय में भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, और वियतनाम ने भी बड़ी मजबूती के साथ अपनी अब कोरोना को हैंडल किया है। अब इस संदर्भ में आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो एक्ट ऑफ गॉड कह के जो भारत के नागरिकों का, भारत के सिटीजन्स का, भारत के वोटरों का जो मजाक उड़ाने का काम वित्त मंत्री जी कर रही हैं, उनको अपने गृहबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक्ट ऑफ गॉड है या वित्त मंत्री की अपनी कारस्तानी है, उनका अपना इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत आज इतनी बुरी हो गई है। तो या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर उनको सैक कर दें, और अगर वो अपने पद पर बनी रहती हैं और अगर पूरी वित्त मंत्रालय की टीम को नहीं बदला जाता है, उसमें नए विचार नहीं लाए जाते, उसमें ज़्यादा प्रखर समझदार और बेहतरीन टैलेंटेड लोगों को अगर नहीं लाया जाता है, तो यकीन मान लीजिए जो अर्थव्यवस्था की स्थिति आज है
यह अर्थव्यवस्था की स्थिति और बुरी होगी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा, पूरा ठीकरा निर्मला सीतारमण के माथे पर फोड़ा जाएगा। ऐसे में अगर वो इस्तीफा दे दें तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।